हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? तो आज हम इस वीडियो में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़े थे। मीन्स मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन वॉट इज फॉर्म्ड। तो आज हम उसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, रिएक्शन विथ वाटर, मीन्स मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एज वेल एज नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर देन व्हाट इज फॉर्म्ड। तो होता है कि मेटल्स जो होता है, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अनदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा है कि उसकी मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। भाई जो भी मेटल्स क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन करेगा तो उसका एक पार्ट बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा आपका, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया है, सोडियम वाटर से रिएक्शन कर रहा था, बना दे रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका दूसरी प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन गैस। एक दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि आपका मैं एग्जाम्पल लूँ कि मैग्नीशियम क्या हुआ, और वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब एक बात ये आती है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये आपका हाइड्रोजन गैस है। देखिए, मैं कहा मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट ट्यूब बोला जाएगा, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को डाला। ठीक है, और मैग्नीशियम को डालने के बाद इसमें वाटर को ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, ऐड टू वाटर। जैसे वाटर को ऐड करूंगा तुरंत क्या हुआ, मैग्नीशियम क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस कैसे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इस जो इवॉल्विंग गैस है उसके पास बर्निंग माचिस स्टिक ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, बर्निंग माचिस स्टिक। जब बर्निंग माचिस स्टिक ले जाएंगे, अगर वो गैस जो इवॉल्व हो रही है, बर्न विथ पॉप साउंड, अगर वो गैस जो बर्न हो रही है पॉप साउंड के द्वारा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करती है बर्निंग के दौरान, तो वो जो पॉप साउंड प्रोड्यूसिंग गैस होगी ड्यू टू बर्निंग, वो गैस कहलाएगी क्या, आपका हाइड्रोजन गैस। दिस मींस हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो जो गैस इवॉल्व हो रही है, अगर क्या हुआ, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है बर्निंग के दौरान, तो दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, दैट वो गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो कहने का मकसद मेरा यह है, जितनी भी आपका मेटल्स होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। एक बात याद है कि सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, मतलब जो सोडियम होता है वाटर से काफी फास्ट रिएक्शन करता है देन अदर मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब कहा कि जो भी आपका सोडियम है, मीन्स मेटल में उसमें कई आएगा, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपका आएंगे रिएक्टिविटी सी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे फास्ट जो रिएक्शन करेगा यहाँ पे, कि सोडियम सबसे तेज करेगा, मैग्नीशियम और स्लो करेगा, उसके बाद एल्युमिनियम और स्लो करेगा। कहने का मकसद है यह क्या हुआ, ये टॉप से क्या हुआ बॉटम की ओर मूव करते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्शन की जो पावर होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब बात होती है कि कुछ आपका मेटल, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है आर नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। मतलब मैं कहूँ कि वाटर कोल्ड है तब भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर क्या हुआ उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इवन हॉट वाटर कर दें, तब भी आपका कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। किससे, जब मतलब आपका कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज नॉट
प्रोड्यूस, भाई जब रिएक्शन नहीं हुए तो हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये इस नाते कॉपर सिल्वर और गोल्ड को क्या हुआ, ये ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं, ना तो बेस से रिएक्शन करते हैं, ना तो वाटर से, इस नाते इन्हें क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स। यहाँ पे राइट किया हुआ उसके टॉप पे, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों क्या हुआ, नोबल मेटल्स होते हैं। फिर बात ये कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। जब वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, नेवर। मतलब हाइड्रोजन गैस डू नॉट प्रोड्यूस बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। भाई नॉन मेटल्स क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। भाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तभी होगा जब रिएक्शन करेगा वाटर से, तो नॉन मेटल्स क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, नेवर। तो बात यह आती है कि आपका फास्फोरस एक आपका नॉन मेटल्स है जो क्या हुआ, विच इज कैप्ट इन वाटर। फास्फोरस नॉन मेटल है जिसको वाटर के अंदर रखते हैं, क्योंकि क्या हुआ आपका ये एयर से रिएक्शन किया जाता है। एक बात होता कि सोडियम जो होता है वो सोडियम एक मेटल है दैट इज कैप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज इज हाईली रिएक्टिव विथ मॉइस्ट एयर। सोडियम is a metal which is kept in kerosene oil. भाई केरोसिन ऑयल में क्या हुआ, सोडियम क्यों रखा जाता है, क्योंकि because it reacts with moist air. भाई क्या हुआ, अगर एक ओपन एयर में, ओपन एरिया में रखेंगे तो क्या मॉइस्ट एयर से कांटेक्ट जैसे होगा, सोडियम तुरंत क्या हुआ, बर्न कर जाएगा, ठीक है। इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, सोडियम लिंग आप जैसे वाटर के अंदर डालेंगे तुरंत क्या हुआ, बर्न कर जाएगा। मीन्स बर्न क्यों करेगा, क्योंकि आपका क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन करेगा, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, वही हाइड्रोजन गैस बर्न करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या हुआ, रिएक्शन नहीं करता है वाटर से, तो जब वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड्स। अब भाई जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। भाई यहां पर मैं कहा डाइल्यूट एसिड वर्ड कहूं, डाइल्यूट एसिड, और एक कहूं कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट एसिड। देखिए इसमें दो पार्ट होगा, एक तो एसिड का पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा, वाटर का पार्ट होगा। सेम इसमें भी आपका दो पार्ट होगा, एक तो एसिड का पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा, वाटर का पार्ट होगा। दोनों में रिलेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब आपका डाइल्यूट एसिड में क्या हुआ, एसिड का परसेंटेज लो परसेंटेज में होता है, लो परसेंटेज या मैं कहा लो अमाउंट होता है, लेकिन क्या हुआ डाइल्यूट का जो होगा उसका क्या हुआ परसेंटेज क्या हुआ, वाटर परसेंटेज क्या हुआ, मोर परसेंटेज ऑफ वाटर होगा, ठीक है भाई। डाइल्यूट में लो परसेंटेज ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड में, और मोर परसेंटेज ऑफ वाटर इन डाइल्यूट एसिड, लेकिन इसी का जो रिलेशन है इसमें कंसेंट्रेट में जस्ट अपोजिट होगा। मतलब एसिड क्या हुआ मोर परसेंटेज में होगी, मोर अमाउंट में होगी, जबकि वाटर क्या हुआ लो परसेंटेज या लो अमाउंट में होगा, ठीक है। अगर लो अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन तो उस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट बोलेंगे। अगर वाटर के अमाउंट मोर हो गया और एसिड का अमाउंट कम हो गया तो उसे डाइल्यूट एसिड कहेंगे। सेम इसी में डाइल्यूट बेस भी होता है और डाइल्यूट बेस होगा और कंसंट्रेट बेस होगा। डाइल्यूट बेस में क्या हो, बेस के अमाउंट कम होगा, वाटर के अमाउंट ज्यादा होगा, और कंसंट्रेट बेस में क्या होगा, वाटर के अमाउंट कम हो जाएगा और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों कंसंट्रेट और डाइल्यूट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बाद में कहा कि आपका मेटल्स क्या हुआ, रिएक्ट करते हैं वाटर डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बनाएंगे आपका, एक पार्ट बनाएंगे साल्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हुआ, एसिड है कि नहीं, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में है तो ये बनाता है साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फिर वही बात आती है कि हाइड्रोजन गैस आप जब बर्न करेगा तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर देगी, कोई भी गैस
तो वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड बना, इसलिए मैं कहा कि सोडियम क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, बना देगा NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है, आयरो में किस तरह टॉप पे इस तरह बनाया हुआ हो, किसी भी रिएक्शन में आयरो का हेड टॉप पे है और उसका टेल डाउन साइड में है, तो वो क्या हुआ, जिस के लिए मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बगल में वो क्या हुआ, गैस के फॉर्म में वो इन्वॉल्व होगा। अगर आयरो नीचे रहेगा तो क्या हुआ, PPT रहेगा, प्रेसिपिटेट। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम में क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो ये भी क्या हुआ, NaCl बनाएगा, और NaCl क्या हुआ, कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होगा और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई। तो कहने का मकसद ये है, जितने भी एसिड्स सॉरी मेटल्स हैं, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट होगा, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई। कुछ मेटल्स क्या हुआ, वाटर एसिड से रिएक्शन करते हैं, जैसे कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड नॉट प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। क्या हुआ, जो आपका कॉपर है वो क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या है, कॉपर रिएक्ट विद कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बट डू नॉट प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। भाई कॉपर आपका क्या हुआ, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। देखिए डाइल्यूट के केस में क्या हुआ, कॉपर क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, तो जब रिएक्शन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन कॉपर क्या हुआ, हॉट एंड कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें टेम्परेचर भी उसका हाई होना चाहिए, मतलब हॉट होना चाहिए, उसके साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, कंसेंट्रेट होना चाहिए, तो रिएक्शन तो करेगा लेकिन वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब बात यदि नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या हुआ, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड नॉट प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। जब भाई रिएक्शन नहीं हो करेगा नॉन मेटल्स, तो कहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। मैं उसका एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं, जैसे मैं कहा सल्फर, यहां पे एग्जांपल दिया है, मैं कहा कार्बन, कार्बन क्या हुआ, HCl से रिएक्शन करेगा, नो रिएक्शन। भाई कार्बन क्यों, आगे मैं कहा नाइट्रोजन क्या हुआ, आपका HCl से रिएक्शन करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये कार्बन नाइट्रोजन और आपका सल्फर यहां पे दिया हुआ है, यहां पे सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, तो क्या रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे लिखा हुआ है नो रिएक्शन। तो भाई जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या हुआ, आपका एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स क्या हुआ, रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ मेटल क्या हुआ, रिएक्शन नहीं करते हैं, उसमें आपका सिल्वर भी आ जाएगा और गोल्ड भी आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको, आपका रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड्स, बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।